दोस्तों, एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मैं कितना भी प्रयास करने में सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति ने कहा, क्या कोई आप उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अवश्य बता सकता हूं। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं वह अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में सफल होने के 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है और तुम्हें भी सफल और सबसे अलग बना सकता है। यह आदत तुमको भी मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। पहली आदत, समय की कीमत करना सीखो, जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से पहले आदत है, समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी दौड़ लगा लो वह पहले जैसी बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगा। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। यही आदत हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सी जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर आदि जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए एक बच्चा बनकर हमेशा सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास दो कान और एक मौका है, ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले। आधा सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतनी ताकतवर होते हैं जो कि किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाजी हाजी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारी अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर कोई भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है, ये जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम आ रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा हक है और न बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है
तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और न ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5 भी आदत है। सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का। जहां पर अभी तुम हो मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सफल आदतों की सूची में 6वीं आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों पर कितना सीखते हो, तुम वर्तमान को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भाव चढ़ रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। आप अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, न कोई किताब, न कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। बस इस समय तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वीं आदत, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना नहीं चाहते ही टालते जा रही हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते उन्हें इस काम को करना है या नहीं करना, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करना है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय ले लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का लगभग 0 समय होता है। अगर आज तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देना चाहिए। 8वीं आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह अपने दिन को अच्छा और शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम न कर सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसी तरह तरह की छोटी छोटी बातों और भी मतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है।
और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों पर सौंप दे और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा। दसवीं आदत, जीवन में नकारात्मक लोगों को निकाल कर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को छूस कर हमारी सोच में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सदी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। 11वीं आदत, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। ऐसी भी चीज लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं भी आदत, स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह व्यायाम और ध्यान न केवल हमें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे, अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं आदत, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और न ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर क्यों कोई बेवजह के दुख और तकलीफ में अपने जीवन को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि तुम्हारी मुस्कान से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो। यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं आदत, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्चा करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखें। 15वीं आदत, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, साथ ही वह दूसरों की भी मदद करता है। दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जाने से पहले आपके दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी मदद मिले। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।